नमस्ते जी, आप कैसे हैं? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से। अभी मुझे हॉस्पिटल से जब से लाए हैं तब से मैं बीमारी चल रही हूँ। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मुझे। तो आप सब सोच रहे थे कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। कई दिनों से आप सब रिप्लाई का वेट कर रहे थे। आप सब सोच रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, मैं स्वस्थ हो गई हूँ कि नहीं। तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ अभी नहीं हुई हूँ। मुझे सांप ने काट लिया था बुधवार को, और बुधवार को मुझे सांप ने कैसे काटा था वो सब मैं आपको बता रही हूँ। अभी एक एक करके मैं आपसे बताऊँगी। और देखिए, बुधवार को बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी मेरे यहाँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़ोरों ज़ोरों से बारिश होती जा रही थी। और फिर मम्मी टीवी ऑन की, टीवी जब मम्मी ऑन कर दी तो उसमें सिग्नल चला गया। तो मैं सोच रही थी कि उसका सिग्नल मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सिग्नल मैंने पकड़ा है, टीवी एक बार ऑफ करके दोबारा से मैं ऑन करने जा रही थी। मैंने जैसे ही ऑन किया इस वाली उंगली से, इससे देखिए, इस वाली उंगली से मैंने ऐसे ऑन किया तो पता नहीं क्या था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बस फटाफट आके मुझे ऐसे पकड़ लिया, यहाँ पे देखिए पूरी उंगली मेरी ऐसे पकड़ लिया। और पकड़ते ही मैंने ऐसे अपनी तरफ खींच लिया, उसने अपनी तरफ ऐसे भर के खींचा और मैंने अपनी तरफ खींच लिया। फिर जब मैंने अपनी तरफ खींच लिया तो फिर उसके बाद ऐसे कट के निशान आगे खींच लिया मैंने। देखिए सांप काटता है तो दो, मतलब कहते हैं ना सबके दो दांत होते हैं सांप के, तो ऐसे मतलब होते हैं ना, ऐसे ऐसे चुभ जाया करते हैं, चुभा देते हैं। ऐसा नहीं था, मुझे ना दो तीन कट ऊपर से ऐसे ऐसे थे और नीचे साइड से भी कट थे। और फिर उसके बाद जब मुझे मतलब काट लिया तो मुझे ब्लड आने लगा, मैंने खींच लिया अपनी तरफ। तो मम्मी मेरी पूजा करने जा रही थी, मैंने तुरंत मम्मी से बताया। मैंने कहा मम्मी देखो मेरे हाथ में पता नहीं क्या काट लिया। मम्मी देखने लगी और मम्मी को डाउट हुआ कि सांप को नहीं काट लिया, ऐसा डाउट हुआ मम्मी को। तुरंत मम्मी टॉर्च जला के देखने लगी, जैसे ही मुझे काटा और उसके मतलब 2 मिनट बाद ही लाइट चली गई। मम्मी वहाँ देख रही थी कि लाइट है, वहाँ देखने लगी टीवी के आसपास कुछ है तो नहीं। और टीवी मतलब मेरा घर तो आप जानते हैं कि कच्चा है, तो ऐसी खिड़की टाइप सी बनी हुई है, वही खिड़की में टीवी रखी हुई है। वहीं पता नहीं कैसे, वही अंदर बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर पता नहीं कैसे बोर्ड था, क्या था और क्या काटा मैं देख भी नहीं पाई उस टाइम। बस काटने के बाद मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी वहाँ ढूंढने लगी क्या काटा मुझे। और फिर लाइट चली गई, बस वही लाइट 3 दिन के बाद फिर लाइट आई है। फिर मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर है, डॉक्टर को मम्मी ले गई दिखाई। बड़े पापा लगते हैं, परिवार के हैं, तो बड़े पापा देखे मेरा हाथ तो वो बोले कि चूहा काट लिया है। तो फिर उसके बाद चूहा काट लिया है वो कह दिए, तो हम लोग शांत हो गए। ऐसा लग भी रहा था कि चूहा काटा था क्योंकि नीम की पत्ती वगैरह तीखी तो लग नहीं रही थी और मैंने देखा भी नहीं था मुझे क्या काटा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर पे चली आई, जब वो बोल दिए कि तुम्हें चूहा काटा है। और काटने के बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था मैं क्या बताऊँ, एकदम ब्लड निकल रहा था हाथ से, ज़मीन में ऐसे गिर रहा था, ब्लड ऐसे टपक रहा था मेरे हाथ से और काफ़ी ब्लड निकल गया। और फिर मैं घर पे चली आई, क्वार्टर से मैंने ब्लड ब्लड साफ कर लिया और कोई लक्षण साफ वाला तो नहीं दिख रहा था उस टाइम। 7 नहीं बजे थे, 7:15 हो रहा था, 15 मिनट बकाया था 7 बजने में, तभी मुझे सांप ने काटा था। उसके बाद मैं जब घर चली आई तो मुझे धीरे धीरे भारी भारी सा लगने लगा, मेरी ना आँख थोड़ी भारी होने लगी, जैसे कि नशा नहीं हो जाता ऐसे टाइप से मुझे नशा टाइप से होने लगा। और पॉइजन मेरे बॉडी में फैलने लगा, जब मेरे शरीर में पॉइजन फैलने लगा तो मैं वीक महसूस करने लगी, कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगी। फिर क्या हुआ कि जब मैं अपने आप को एकदम कमज़ोर कमज़ोर से महसूस करने लगी, मुझे नींद आने लगी। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे नींद आ रही है, तो मम्मी बोली नींद आ रही है। तो फिर मम्मी परेशान होने लगी कि अभी तो ठीक थी, मुझे ना नशा मतलब 7 नहीं बजे थे तब काटा था और नशा मुझे 9 बजे से हुआ है। सोचिए 3 घंटे बाद मुझे असर समझ में आया, 3 घंटे बाद 9 बजे मुझे नशा होने लगा और मेरा गला एकदम से चला गया, मेरी आवाज़ एकदम चली गई। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, कोई समझ ही नहीं पाता था मेरी भाषा की, मैं क्या कह रही हूँ क्या बोल रही हूँ।
फिर बारिश बहुत ही जोरों से हो रही थी, इतनी भयंकर रात थी वो, मैं उस रात को भूल ही नहीं पाती। मुझे कभी फीवर भी नहीं होता था और मैंने इतना बड़ा कष्ट मतलब देखा, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, मैं बता नहीं सकती, इतना दर्द में मैं थी उस वक्त। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी। हमारे यहाँ मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल, ऐसे भैया सोचे कि थोड़ा सा दिखा देते हैं, कुछ तो कवर हो जाए, तो भैया ले गए मुझे घोटपुर, हमारे यहाँ है वहाँ ले गए मुझे हॉस्पिटल एडमिट किए। तो मुझे ले जाते वहाँ बेड पे, जब लेटा दिए ना तो मुझे ना फैचकुर निकलने लगा, इतना विष मेरे बॉडी में इतना पॉइजन फैल गया था ना, उसका विष फैल गया था ना, कि मुझे फैचकुर निकलने लगा, ऐसे झाके टाइप से निकलने लगा मुँह से। फिर मेरी मम्मी रोने लगी, बड़ी मम्मी साथ में गई थी वो भी रोने लगी। फिर वहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया तो मम्मी लोगों की जान एकदम अटक गई कि अब क्या होगा। फिर मुझे स्वरूप रानी ले गए इलाहाबाद, प्रयागराज मुझे ले गए स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, वहाँ ले गए तो वहाँ एडमिट ही नहीं कर रहे थे मुझे। मेरी हालत देख के बोले क्या हो गया, तो भैया लोग बोले कि सांप ने काट लिया है। फिर वो लोग मेरा हाथ देखे ना तो वो बोले कि जहर खिला के और अपने से कट लगा लिया है, ऐसा बोल रहे थे कि जहर खिला दिए हैं। तो फिर एडमिट किए मुझे, एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट मेरा नहीं कर रहे थे। और क्या हुआ कि मैं वहाँ 1:30 बजे पहुँची थी, स्वरूप रानी बाइक से ले जा रहे थे। अब 11:30 बजे तो मैं घूरपुर एडमिट किए, मुझे 9 बजे से ले गए, और 11:30 बजे घूरपुर में थी, वहाँ से डिस्चार्ज किए तो मैं 1:30 बजे स्वरूप रानी पहुँची, और वहाँ मुझे एडमिट कर लिया। तो फिर 2 बजे से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और भैया से तो लिखवा लिए थे, कह रहे थे कि मतलब कोई चांस नहीं है, कह रहे थे कि 99% ख़त्म हो चुकी है, पूरी बॉडी में मेरे पॉइजन हो चुका था। इसी वार्ड में ले जाके बेड पे लेटाया, तो फिर मेरा ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हो गया, और मुझे 30 सिरंज लगी थी 1 घंटे में। जब सोचिए मैं एक सिरिंज नहीं लगवाती थी, मुझे कभी फीवर हो जाता था, मुझे मम्मी दवा देती तो मैं ऐसे हाथ में दवा लेती और मम्मी बहाने से पानी मंगवाती मम्मी से, और दवा कहीं साइड में फेंक देती थी। मम्मी झाड़ू लगाती, दवा मम्मी को मिल जाती, मम्मी मुझे बहुत डांट लगाती थी। डॉक्टर आते थे तो मैं डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे सिरिंज ना लगाए। मैं जब बेड पे मुझे लिटाया तो डॉक्टर फटाफट आ गए, 3 डॉक्टर अंदर आए, इमरजेंसी वार्ड में आए, मुझे फटाफट से बॉटल टांग दिए, ग्लूकोज टांग दिए, मुझे बॉटल चढ़ने लगा, बॉटल में 6-7 सिरिंज तुरंत लगा दिए, और जितनी पॉइजन वाली दवा होती है ना, पॉइजन कवर करने वाली, वो दवा मुझे लगाने लगे, और मुझे सारी जितनी भी मतलब सिरिंज लगे हैं सारे नशे में ही लगे हैं, सारी नशे में हैं, और कहीं नहीं, सब सिर्फ यही हाथ में, मुझे एक ही हाथ में लगती चली गई। और जब मुझे 30 सिरिंज लग गई तो मुझे थोड़ा होश आया। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर को भी मैं पहचानी, डॉक्टर बोले अब कैसे हो, तो मैं हाँ भी मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तो बोले चलो बड़ी अच्छी बात है कि ठीक हो गई हो। और मुझे जब एडमिट कर रहे थे तो भैया बड़े पापा के लड़के से लिखवा लिए थे कि अगर मतलब डेथ हो जाएगी, मर जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो मरने के बाद पोस्टमार्टम भी यहीं पे होगा, स्वरूप रानी में ही होगा, पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी दी जाएगी। भैया तो मम्मी लोगों से किसी से नहीं बताया, क्योंकि मम्मी लोग तो रो रही थी ना, मेरी हालत इतनी गंभीर थी, तो किसी से भैया नहीं बताया। वो तो हम जब मैं वहाँ से निकली ना, घर पे आने के बाद भैया बताए हैं, 2 दिन बाद बताए हैं कि पोस्टमार्टम तक बात हो गई थी, अगर मैं मर जाती तो मेरी लाश वहाँ से पोस्टमार्टम करने के बाद मिलती। लेकिन आप सबका प्यार, आप सबकी दुआ, इतनी अच्छी, इतना मतलब प्यार करते हैं आप, इतना अच्छे से आप सबने भगवान से प्रे किया कि मैं एकदम ठीक हो गई, और मुझे वहाँ 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल में। जब मुझे होश आ गया तो मुझे इमरजेंसी वार्ड से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया, तो मैं वहीं 2-3 दिन थी। 2-3 दिन के बाद फिर मुझे जब वहाँ से डिस्चार्ज किया गया तो मैं डिस्चार्ज होने के बाद घर आ गई, और मैं घर आई तो पापा भी मेरे, पापा सूरत में रहते हैं, मैंने आपसे बताया ही आप सबसे, पापा सूरत में रहते हैं। तो फिर उसके बाद ना पापा भी बात किए मुझसे, पापा बोले कि मैं आ रहा हूँ, पापा भी टिकट करवा के फटाफट आ गए। और पापा आए तो बोले कहाँ काटा था, मैंने पापा को दिखाया,
और फिर ये ना जैसे रात रात होती और कुछ भी होता था तो ये मतलब सूजा रहता था मेरा, ये सूजा रहता था, इसमें सूजन रहती थी। तो फिर मैं पापा से पापा को दिखाई कि पापा ये सूजा रहता है मेरा, ठीक नहीं हो रहा है। तो पापा बोले कि ठीक है, डॉक्टर को चले गए कल दिखाने। तो फिर मैं गई डॉक्टर को दिखाने, फिर डॉक्टर ना ऐसे दबा दबा के देख रहे थे। डॉक्टर पहले सोचे कि ऐसे नॉर्मल सा काटा है तो ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे दबा दबा के देख रहे थे। तो फिर बोला कि इसमें मतलब इसमें मेवाद आ गई है, ये सड़ गया है एकदम, हाथ आपका खराब हो चुका है, 1 सप्ताह ना आते तो यहाँ से हाथ काटना पड़ता है। पता नहीं क्या था कि इतना ज़्यादा तेजी से काट लिया था, कितना जहर हो गया था, इतना विष फैल गया, इतना पॉइजन हो गया था ना कि यहाँ पे मेरा सड़ गया था हाथ। फिर ऑपरेशन करना पड़ा, फिर डॉक्टर मेरे हाथ का ऑपरेशन किए, इसीलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। और अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। और फिर अभी देखिए फिर ऑपरेशन करवा के घर पे ले आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मैं थोड़ा सा बातें कर लूँ और आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत टेंशन में हैं। आप लोगों का भी डेली कमेंट आता रहता है, मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं मेरी, वो सब डेली पूछते रहते हैं आप कैसी हैं आप कैसी हैं। तो मुझे थोड़ा आराम हुआ है, पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो मैं सोची थोड़ा सा क्यों ना आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं खतरे से बाहर हूँ, पूरी तरह से नहीं हूँ, लेकिन पॉइजन मेरे बॉडी से निकल चुका है, जहर मेरी बॉडी में अब नहीं है। यहाँ हाथ में मेरे था तो ऑपरेशन तो करवा दिए हैं, तो अभी ठीक है, फिर भी डॉक्टर को मेरा हाथ दिखाना ही पड़ेगा। 1-2 दिन बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने के लिए। अभी मैं घर पर हूँ और पास में पापा है, तो पापा लोगों को देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी बीमार नहीं हूँ। पापा लोगों को देखती हूँ ना तो अजीब सी माँ बाप को देख के शक्ति मिलती है, और पापा मेरे मुझे बचा लिया है एकदम अच्छी तरह से, मैं अब ठीक हो गई हूँ। तो आप सभी परेशान मत होइए, एकदम ठीक हूँ मैं। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट जैसे बनाए रखे हैं ऐसे हमेशा बनाए रखिएगा। और अब मैं खतरे से बाहर हूँ पूरी तरह से, मैं जब ठीक हो जाऊँगी तो मैं डेली वीडियो अपलोड करने लगूँगी, फिर से मेरी वीडियो यूट्यूब पर आने लगेगी। जब तक मेरी वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रही है तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप सब कहीं मत जाइए। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी वैसे ही रेगुलर मेरी वीडियो आने लगेगी फिर से।